আমি মনে করি যেহেতু আমরা ক্লু বের করেছি, রহস্য উদ্ঘাটন করেছি, অবশ্যই আমরা আমরা আশা করি পুরা ভুঁড়ি না পেলেও খণ্ডিত অংশ আমরা উদ্ধার আমাদের কলকাতা পুলিশ উদ্ধার করবে, এবং পাশাপাশি আমরাও এর সাথে আরো আরো কোনো ব্যক্তি এর সাথে জড়িত আছে কিনা সেটা আমরা খুঁজে দেখছি। নমস্কার, আপ দেখ রহে হ্যায় এআর নিউজ। एक लड़की की आवाज सुनकर अगर 56 साल के बांग्लादेशी सांसद अनवारुल अजीम उस रोज लड़की से मिलने नहीं जाते तो शायद आज वो जिंदा होते। कोलकाता में सांसद के कत्ल को लेकर सिहरन पैदा करने वाली कहानी सामने आई है। ऐसी कहानी जिसमें सांसद को पहले हनी ट्रैप में फंसाया गया और फिर उनकी जान लेकर लाश के टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। और तो और इस काम के लिए मास्टरमाइंड ने खास तौर पर एक कसाई को मुंबई से बुलाकर इसी काम पर लगाया था। नकाबपोश कातिल के साथ झाड़ियों में सांसद महोदय की लाश के टुकड़ों की तलाश जारी है। सांसद के कत्ल के सबूत सीसीटीवी फुटेज में कैद हैं। कातिलों की तस्वीर कैमरे में नजर आता वो सूटकेस जिसमें लाश निपटाई गई और लाश के साथ साथ मकतूल के जूतों तक को ठिकाने लगा देने की कोशिश भी सामने आ गई। कोलकाता से ढाका तक फैली बांग्लादेश के एक सांसद अनवारुल अजीम के कत्ल की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सिहरन पैदा करने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसमें गोल्ड स्मगलिंग से लेकर कसाई के हाथों लाश के टुकड़े करवाने की प्लानिंग, हनी ट्रैप का जाल और 5 करोड़ की सुपारी जैसी कई अजीब और दिमाग घुमाने वाली चीजें हैं। मास्टरमाइंड ने इसकी साजिश वैसे तो महीनों पहले बुन ली थी, लेकिन इसकी शुरुआत एक लड़की के टेलीफोन कॉल से हुई। 56 साल के सांसद अनवारुल अजीम को जब फोन पर एक लड़की ने दिलकश आवाज में खुद से मिलने की दावत दी तो सांसद साहब दिल के हाथों मजबूर हो गए। जनाब अपने मुल्क यानी बांग्लादेश से भागे भागे ट्रेन में बैठ कर दर्शनागिरी बॉर्डर होते हुए फौरन भारत पहुंचाए। यहाँ एक दिन अपने दोस्त के घर में रुके, इलाज के लिए भारत आने की कहानी सुनाई और अगले ही दिन डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर सीधे पहुंच गए उसी लड़की के पास जिसने सांसद महोदय को खुद से मिलने के लिए इनवाइट किया था। और बस यही उनकी जिंदगी की आखिरी गलती साबित हुई। सिर्फ एक लड़की से मिलने के चक्कर में सांसद महोदय कातिलों के जाल में ऐसे फंसे कि चंद घंटों के अंदर उनकी जान लेकर कातिल उनकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें किस्तों में ठिकाने लगाने लगे। बल्कि अब तो पता चला है कि कातिलों ने उनके शरीर के कुछ हिस्सों को मेस पीट यानी पीस कर तकरीबन पेस्ट बना दिया था ताकि उन्हें फेंकने में सुविधा हो। वो पिछले कई महीनों से सांसद महोदय यानी अनवारुल अजीम का कत्ल करने की साजिश रच रहा था और इस काम के लिए उसने पूरे 5 करोड़ बांग्लादेशी टका की सुपारी भी दी थी। कत्ल के 3 दिन पहले यानी 10 मई को पूरी साजिश को फाइनल टच देने के बाद वो बांग्लादेश लौट गया। हालांकि कुछ सूत्रों को शक है कि वो कत्ल के दौरान भी भारत में ही था और काम हो जाने के बाद यहां से निकला, कोलकाता पहुंचे और अगले ही दिन सिलिस्टा से मिलने संजीव गार्डन के उस फ्लैट में पहुंच गए जहां पहले कातिलों ने उनका गला घोटा, उनके सिर पर भारी चीज से वार किया और फिर जब उनकी मौत हो गई तो फिर लाश ठिकाने लगाने के काम में लग गए। पुलिस को संजीव गार्डन के फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में इन लोगों इन सारी करतूतों की सीसीटीवी तस्वीरें भी मिली है। इसी बीच पुलिस ने कोलकाता में जुबेर नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को भी हिरासत में लिया है जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल कथित तौर पर लाश को निपटाने के लिए किया गया। अब कोलकाता पुलिस ने भारत में गिरफ्तार आरोपी जेहाद हवलदार को लेकर भागोड़ इलाके के बगजोला नाले में सांसद की लाश के टुकड़ों का तलाश शुरू कर दिया है। अब बात इस वारदात के मोटिव की, हालांकि इस मामले में मास्टरमाइंड अख्तरुज्जमा शाहीन की गिरफ्तारी अभी बाकी है, लेकिन कत्ल में शामिल उसके मुर्गों और गर्लफ्रेंड के हवाले से अब कोलकाता और बांग्लादेश की पुलिस साजिश के धागों को सुलझाने में लगी। पुलिस को पता चला है कि शाहीन का सांसद महोदय से गोल्ड स्मगलिंग के पैसों को लेकर कुछ विवाद चला आ रहा था। असल में शाहीन बांग्लादेश का एक कुख्यात गोल्ड स्मगलर है
और सांसद अख्तरुज्जमान शाहीन के खास दोस्त थे। दोस्ती के साथ साथ दोनों में कारोबारी रिश्ते भी थे। लेकिन शाहीन के स्मगलिंग कर लाए गए करीब 60 किलो सोने की खेप कहीं गायब हो गई थी और वो इसे लेकर सांसद अनवारुल अजीम पर शक कर रहा था। और बस इसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई थी। बांग्लादेश पुलिस ने वहां पकड़े गए तीनों आरोपियों यानी हनी ट्रैप गर्ल और दो आरोपी कातिल अमानुल्ला अमान और फैसल अली को रिमांड पर ले लिया है ताकि उनसे पूछताछ कर पूरे साजिश को समझा। इधर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कसाई जेहाद की रिमांड ली है ताकि उससे कत्ल की साजिश वारदात के सिलसिले के साथ लाश ठिकाने लगाए जाने की बातों को लेकर पूछताछ की जा सके। यानी एक हनी ट्रैप के जाल में फंसकर एक सांसद ने अपनी जान गंवा दी।